नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं मौसम विभाग की खबरों को। झारखंड में अब तक सामान्य से 102% अधिक बारिश, जलाशयों का जलस्तर बढ़ा। झारखंड में समय से 3 दिन पहले मानसून की वजह से समूचे झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है। इसकी वजह से राज्य के लगभग सभी जिलों के जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है। डैम के भरने से गेट खोलकर पानी बाहर निकालने की नौबत आ रही है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्यभर में 18 जून तक सामान्य रूप से करीब 85 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन इस दौरान अब तक 173 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है, जो कि यह सामान्य से लगभग 102% अधिक है। सबसे अधिक 267% अधिक बारिश लोहरदगा में हुई है। वहीं जमतारा में 261, पलामू में 247, पीटी में 205, कोडरमा में 204, धनबाद में 200, सिमडेगा में 186, गढ़वा में 185% अधिक बारिश हुई है। राज्य में 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि इस अवधि में धनबाद के मेथन में सर्वाधिक 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिरिडीह, हजारीबाग और जामताड़ा समेत कई अन्य जिलों में भी जोरदार वर्षा हुई। इधर राजधानी रांची और आसपास के कई क्षेत्रों पर बाद अच्छी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 24 जून तक यही हालत बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में बोकारो जिले में अवस्थित तेनुघाट डैम, धनबाद के मेथन डैम समेत कई डैमों के फाटक को खोल देना पड़ा है, जिससे नदियां उफान पर है और निचले इलाकों में मकानों में पानी घुस आया है। झारखंड के गुमला में वज्रपात से मृत 4 व्यक्तियों के आश्रितों को दिए गए 4-4 लाख का चेक। उपायुक्त सुशील कुमार सिन्हा एवं अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता द्वारा गुमला जिला अंतर्गत प्राकृतिक आपदा अंतर्गत वज्रपात से मृत 4 व्यक्तियों के आश्रितों को 4-4 लाख अनुग्रह अनुदान भुगतान से संबंधित डेमो चेक शुक्रवार को प्रदान किया गया। बता दें कि प्राकृतिक आपदा अंतर्गत वज्रपात की चपेट में आने से जिले के पालकोट प्रखंड नाथपुर जुरा टोली निवासी अगस्ती किंडो, नाथपुर सतखारी निवासी तोमनिक उरांव, बगीमा पंचायत के ग्राम गोजा निवासी रितु कुमारी एवं सदर प्रखंड के कतरी पंचायत स्थित कीता ग्राम निवासी रमेश तुरी की मृत्यु हो गई थी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को जिला प्रशासन द्वारा 4 लाख के अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद आश्रितों के बैंक खातों में उक्त राशि हस्तांतरित कर दी गई है।